ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात करते हैं अगली खबर की। पहाड़ी क्षेत्र से आने वाली बरसाती टांगरी नदी में शिवालिक क्षेत्र से अधिक पानी आने की संभावना को लेकर जिला प्रशासन ने आज सभी पुख्ता प्रबंध किए हैं। एडीसी आरके सिंह, एसडीएम सुभाष चंद्र सिहाग, नगर निगम संयुक्त आयुक्त गगनदीप सिंह, सिंचाई विभाग के अध्यक्ष अभियंता व कार्यकारी अभियंता सहित अन्य अधिकारियों ने टांगरी नदी का दौरा करके स्थिति का जायजा लिया। एडीसी ने अधिकारियों के साथ लक्की कॉलोनी व आसपास के क्षेत्रों में टांगरी नदी के बांध के अंदर बनाए गए मकानों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए और पानी आने की संभावना के बारे में अवगत कराया। महेश नगर मंडल प्रधान और एमसी वार्ड नंबर 14, आज प्रशासन द्वारा साढ़े को तकरीबन 11 बजे मैसेज आया कि बाढ़ च अपने अलर्ट हो जाके टांगरी नदी के अंदर जो भी मकान बने हुए हैं वो पानी आने की संभावना। उस तो बाद असी आके सारे अपने जो 14 नंबर वार्ड के नदी के अंदर से मकान उन्होंने सारे आके सूचित किया, मुनियादी कराई। प्रशासन का पूरा सहयोग है, धर्मशाला का इंतजाम, खाने का इंतजाम सारा करता। SDM साहब, ADC साहब सारे आए हैं। बाकी लोगों को थोड़ा डर हैगा, वो डर कढ़ने वास्ते साढ़िया 5-5, 6-6 बंद टीमां बन गई जो असं अपने अपने वार्ड जाके उन्हों की राखी करते हैं। फिलहाल टांगरी में 800 क्यूसिक पानी चला हुआ है और जो पीछे से हमारे पास रिपोर्ट है उसमें यह कि 10,000 से ऊपर पानी आ सकता है, इसलिए हमने पूरा बंदोबस्त कर लिया है। दोनों साइड में लक्की कॉलोनी और दूसरी जो प्रीत कॉलोनी है, हमने अलग अलग टीम बना करके लोगों अपनी जो टीम छोड़ दी है वो लगातार मुस्तरी मुनादी कर रहे हैं और लोगों को घरों से निकाल रहे हैं। सचो हूँ, ये जो टांगरी बांध में बाढ़ आ रही है, जो 7 लक्की कॉलोनियों को हमने सभी को सूचित कर दिया गया है कि रात को पानी बढ़ेगा, अपना अपने सेफ जगह पे चले जाओ, और भी इनके लिए सभी प्रबंध प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं आवश्यक है। कुछ एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ लगाई गई है? आसपी साहब की तरफ से हर संभव प्रयास, हर प्रकार की मदद की जा रही है इनके लिए।